जय माता दी, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी 11 बज चुके हैं, 11 से शायद ज़्यादा हो गए हैं, और मैं आ चुकी हूँ दरबार में, जो आपने पहले देखा था। घर में पूजा पाठ करके, अपने लाला जी श्री जी अग्रह सब कुछ स्नान करके, दिया बत्ती करके मैं दरबार में आ गई हूँ। और आज है 1 मार्च, और दर्शन कर लीजिए आप माता रानी के। तो दरबार में दिया बत्ती करने आज मैं ही आई हूँ, क्योंकि आज रावत जी की तबीयत थोड़ा ख़राब है, और वो ना आज ऑफिस गए हैं और रेस्ट कर रहे हैं। बुखार वगैरह आ रखा है उन्हें, तो नहीं तो सुबह के टाइम वही पूजा करते हैं और यहीं से फिर अपना ड्यूटी को निकल जाते हैं। तो चलिए आज मैं आई हूँ, और शाम को भी मैं ही आऊँगी और दिया बत्ती कर लेते हैं। घर का सारा काम करके मैं यहाँ पहुँची हूँ, तो चलो लेट हो रही है, फटाफट से पूजा पाठ कर लेते हैं। शाम को फिर ताज़ा पानी चढ़ाएंगे। पूजा पाठ हो चुकी है जी, और टाइम कितना हो, टाइम हो गया है 12:30। 11 से 12:30 हो गए मुझे, 11 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा था। तो पूजा पाठ हो चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ घर। घर जाके काम करूँगी, अभी नाश्ता पानी भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। पहले मैंने कहा पूजा पाठ करके आती हूँ, फिर जाके नाश्ता पानी फिर होगा। और ये मेरी बेटी भी आई आज, इसकी छुट्टी है, जल चढ़ा रही है भोले बाबा जी को। और शिवरात्रि को मंदिर जाना पड़ता था, लेकिन माता रानी की इतनी कृपा हो गई, खैर मंदिर तो जाना ही चाहिए वैसे, पर यहीं विराजमान है हमारे भोले बाबा जी। तो इस बार दरबार में शिवरात्रि बनेगी हमारी, और जो भगत भी हैं सब कह रहे हैं कि यहीं हम बनाएंगे, यहीं आएंगे, क्योंकि दरबार में तो हैं ही भोले बाबा जी, और पहले यहाँ कर लेंगे पूजा पाठ, फिर उसके बाद मंदिर भी आएंगे। लेकिन जल इस बार दरबार में चढ़ेगा पहली बार हमारा, नहीं तो हमारे यहाँ बड़ा सा मंदिर है, वहीं जाते थे। तो कोई नहीं, भोले बाबा जी तो सभी जगह हैं, सभी जगह विराजमान हैं। तो चलो घर चलते हैं फटाफट से, घर जाके नाश्ता पानी करेंगे, घर का काम करेंगे, फिर आपसे मिलूँगी। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर बन रहे पराठे और रोटी। दरबार से आ चुकी हूँ, पहले लाला जी के लिए दे रही हूँ। चल
तीसरा पहले लाला जी को लगा दे। कल रात सब्जी ऐसी बची पड़ी है हमारी, कल दो चीज की शायद सब्जी बनाई थी हमने, तो आलू तोरी की बच रखी है। अब आलू तोरी की सब्जी खा रहे हैं हम, क्योंकि लाला जी ने तो खाया था रात को आलू तोरी, तो उनको पराठे दे रहे हैं हम दही में। तो दही रख देती हूँ और आंवले का अचार है उसमें लाला जी खाएंगे और हम आलू तोरी की सब्जी खाएंगे। ये लो जी हमारे लाला जी के, वहां मंदिर में ही तुलसी है, तुलसी डाल देना है इसमें, दही में एक टुकड़ा तुलसी डाल देना। ओस्कर बैठ रखे हो? ओसी बैठे हो? ठीक है चलो मैं भी जरा बैठ जाती हूँ, धूप हो रही है बाहर खूब अच्छी सी, गर्मी सी आ गई है पर अंदर ठंड भी लग रहा है, और बाहर पता बहुत तेज धूप हो रखी है। और हमारा नाश्ता पानी हो गया है, देखिए जी चाय पी रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि फिर से बर्तनों की ढेर लग गई है। काम तो सारा करके गई थी, बस नाश्ता किया था तो बर्तन हो गए हैं, अब चाय पीते हैं, उसके बाद बर्तनों की सफाई होगी। और ओस्कर यहाँ पर लेट रखा है, देखो ओसी आ जाओ। और जी कल दरबार नहीं लगेगा, ठीक है, कल मैं छुट्टी पर हूँ और अब दरबार लगेगा मंगलवार को, तो जो भी दरबार आना चाहते हैं वो मंगलवार को आना, 1 बजे से माँ की इच्छा तक दरबार होता है, लेकिन 3 बजे के बाद दरबार में एंट्री नहीं होती है। तो चलिए फिर कल आप लोग रेस्ट करो, कल शनिवार दरबार नहीं लगेगा, अब लगेगा मंगलवार को, और मंगलवार को ज़रूर लगेगा दरबार, तो मंगलवार को जो भी आना चाहता है मंगलवार को आना, ठीक है। ये देखो जी, ये आज एक लाइटर आया है, ऑनलाइन मंगाया था, 500 का है ये किचन लाइटर, ये है चार्जर इसका, और इसे आप चार्ज कर सकते हो, 500 का है ये, 500 का, भी निकाल के दिखाती हूँ। ये है जी ये, ऐसा है ये, 500 का है, और ये इसका चार्जर है, चार्ज करने वाला है ये, चलो यूज करके देखते हैं। ये देखिए इसको यूज ऐसे करना है, यहाँ से ये बटन है, इसको नीचे करना है, फिर यहाँ से ऑन करना है, एक मिनट, और ये फिर ऐसे बंद कर देना है इसे, तो वही 10:30 हो गए हैं रात के, बाद में ब्लॉग नहीं बनाया, कभी कोई आ गया था घर में, कभी कोई आ गया था, फिर दरबार के दोबारा से दिया बत्ती करने, क्योंकि रावत जी को आ रखा है बुखार खूब, और कल हम जा रहे हैं कोलकाता, तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ, अभी रात के 10:30 हो गए हैं। चलो पैकिंग वगैरह करी थी, बहुत काम किया, ब्लॉग नहीं बनाया, तो चलिए कोई बात नहीं, वहाँ के ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे बढ़िया से। गुड नाइट, जय माता दी, जय श्री राधे।